प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं ओंकारेश्वर बांध के भी सभी गेट खोले गए हैं। बांध से हजारों क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने ओंकारेश्वर और मोरटक्का में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी को लेकर आज खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और SP विवेक सिंह मोरटक्का में पर बने नर्मदा के पुल पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ पुल का जायजा लिया। बता दें कि नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर हो चुकी है। लगातार नर्मदा में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर प्रशासन ने इंदौर खंडवा रोड को पूर्णतः बंद किया हुआ है। अभी जो हमारे जिले में स्थित इंद्रसागर डैम ओंकारेश्वर डैम है और उसमें पीछे से पानी आ रहा है, यानी कि बरगी और हंडिया से पानी छोड़ा जा रहा है। वहाँ पे बारिश काफ़ी अधिक हुई थी, उसके वजह से पानी छोड़ा गया था और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे भी डिस्चार्ज में करना पड़ा। और क्योंकि यहाँ पे 163 के ऊपर जब आ गया था पानी, तो हमने यहाँ का ब्रिज बंद करने का डिसीजन लिया है। और जो हैवी व्हीकल्स थे उनको पहले हमने डाइवर्ट कर दिया था। और 163 के ऊपर जब आने ब्रिज के पास आ गया पानी, तो हमने जो लाइट व्हीकल्स थे उनको भी एक्यूटैक से उसको निकालना शुरू किया है। सभी से अपील है, सभी नागरिकों से अपील है कि जब भी बारिश हो, अगर आपके अगर क्षेत्र के पुल पुलिया अगर पानी आ जाता है, तो उसको किसी भी हाल में पार ना करें, कहीं भी अनावश्यक किसी भी स्थिति में ना पड़ें, और ताकि अपने आप को सावधान उसमें रखें, सतर्क रखें और अपने परिवार को भी सतर्क रखें और किसी भी तरह के एक्सीडेंट से उसको भी बचें।